नमस्कार, कल्चर किचन में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये एकदम फूली फूली और क्रिस्पी पानी पूरी आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। अक्सर लोगों को शिकायत रहती है कि उनकी पानी पूरी फूल तो जाती है, पर वो ठंडी होने के बाद मुलायम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और एकदम पूरी की तरह हो जाती है। तो आज मैं आपको एक स्पेशल बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी। अगर आप इस तरह से पानी पूरी बनाएंगे तो एक एक पानी पूरी एकदम फूली हुई बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। उसे आप ऐसे हाथ से भी तोड़ेंगे तो बिल्कुल क्रिस्पी। ये देखिए एकदम क्रिस्पी पूरी है, ये बहुत ही क्रिस्पी है ये। और इस विधि से आप बहुत ही आसानी से इस तरह की क्रिस्पी पानी पूरी बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है आधा कप सूजी और 2 टेबल स्पून मैदा। बस हमें और कोई ऑयल, नमक कुछ भी नहीं लेना है। हम इसमें 1/4 कप और 1 टेबल स्पून जितना पानी यूज करेंगे। तो हम मेजरमेंट का खास ध्यान रखना है। तो बड़े बर्तन में हम ये मैदा और सूजी डाल लिए और ये पानी को हमने गरम करके इसमें मिला दिया। अभी हमने 1/4 कप पानी इसमें डाला है, तो किसी चम्मच या फोर्क से आप मिला लें। अब हम इसमें ये 1 टेबल स्पून पानी और डाल लें। तो बस इतने ही पानी में हमें इसको गूंदना है। तो बस पहले हम इस तरह से इसे सारा कंबाइन कर लेते हैं, फिर हम इसे मसल मसल के गूंदेंगे। हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला है, कोई नमक नहीं डाला है, बस हमने सूजी, मैदा और पानी लिया है। तो ये देखिए, इस तरह से आप प्लेटफॉर्म पे ही इसे डाल लें तो मसलने में आसानी होगी। तो 3-4 मिनट तक हम इसे इसी तरह से मसल मसल के सॉफ्ट होने तक गूंदेंगे। तो ये देखिए, ये आटा हमारा हो गया है सॉफ्ट। तो इसे हम ढक के कम 15-20 मिनट का रेस्ट देंगे, उसके बाद ही हम इसे पूरियां बनाएंगे। तो ये देखिए, 15-20 मिनट रखने के बाद ये हमारा आटा एकदम अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसे करीब 40-45 पूरियां बन जाती हैं। तो आप उसी हिसाब से इसकी छोटी छोटी एकदम लोई काट लें। तो हम इससे 40-45 जितनी हमारी लोई बन जाएंगी, हमारे इतनी आटे में 44 लोई बन के तैयार हुई हैं। इतनी ही बड़ी हमें लोई रखनी है जितनी पूरी हमारी इससे सही बनेगी। तो हमने ये एक प्लास्टिक शीट बिछा ली है साइड में, इसी के ऊपर हम पूरी को बेल के रखेंगे। तो एक पूरी हम इस तरह से, ये देखिए, हमें इतनी बड़ी पूरी लेनी है कि हमारी ये 4 उंगलियों के ऊपर एकदम आ जाए। इतनी बड़ी हमें पूरी इतनी बड़ी लोई से बेल के तैयार करनी है। तो इसी तरह से हम बेल के और छोटी छोटी इसी तरह से सारी पूरियां बेल के पहले हम रख लेंगे। हमें ध्यान रखना है, हमें इसे पंखे के नीचे नहीं रखना है। तो बस इतनी बड़ी बड़ी हमें ये पूरियां बेलनी है। सारी पूरियां एक ही साइज की आप इस तरह से बेलेंगे तो एक ही साइज की पूरियां बन के तैयार होंगी। तो ये लोई को हम जो है इसे गीले कपड़े से ढक देते हैं जिसमें ये ड्राई ना हो। और ये सारी पूरियां हमने बेल के तैयार कर ली हैं। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, पर हमें ध्यान रखना है पंखे के नीचे नहीं छोड़ना है। ये देखिए, 10 मिनट हो गए हैं और तेल हमने गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। तो हमें एकदम अच्छा गरम तेल चाहिए। हम इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करेंगे। तो पूरी डालने का हमें बहुत ध्यान रखना है। तो जो हमारा पार्ट ऊपर था वो थोड़ा सा ड्राई हो गया होगा और जो नीचे था वो गीला है, तो उसी तरह से हमें तेल में डालना है। जो ड्राई वाला है वो ऊपर ही रहेगा, जो गीला वाला है वो नीचे के साइड जाएगा। और जब हम पूरी तेल में डालेंगे उस समय आंच एकदम तेज होनी चाहिए, और जैसे ही पूरी फूल जाएगी हम आंच धीमी कर देंगे। तो ये देखिए, कितनी अच्छी पूरी एकदम हरी हमारी एकदम फूली फूली बन गई। अब हमने आंच धीमी कर दी और धीमी आंच पे हम इसे एकदम अच्छा सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो ये ध्यान रखने का स्टेप है, जैसे ही पूरी फूल जाए। तो ये देखिए, पूरी एकदम अच्छी सी गोल्डन हो गई है और इसे हम निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी ये पूरी बनी है। आप यकीन मानिए, आप इस तरह से जब पूरियां बनाएंगे तो आपकी एक एक पूरी क्रिस्पी और फूली हुई बनेगी। बहुत ही अच्छी पूरियां बनेंगी। ये देखिए, सारी पूरियां एकदम अच्छे से फूल गई हैं और क्रिस्पी बनी है। सबसे खास बात है कि इस तरह से एक एक पूरी जो होती है वो क्रिस्पी बनती है, बिल्कुल भी मुलायम नहीं होती है। ये देखिए,
कितनी अच्छी हमारी ये पूरियां बन के तैयार हो गई हैं और आप इसे 15-20 दिनों तक रख सकते हैं। ये देखिए आप तोड़ के एक देखिए कितनी क्रिस्पी है, ये बहुत ही अच्छी हमारी यहाँ पूरियां ये बनी हैं। आप भी इसी मेथड से इसी तरह से ये सारा इंग्रेडिएंट ले के बनाइए और जो छोटी छोटी इस तरह से कुछ हमारी पूरियां नहीं फूली हैं उसे आप पापड़ी चाट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ऐसा एक या दो पूरियां ही होती हैं जो नहीं फूलती हैं, वरना सारी पूरियां इस तरह से ये देखिए सारी पूरी फूली हुई और क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल भी मुलायम नहीं है, बहुत ही अच्छी पूरी बनी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसके बारे में कमेंट्स लिखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।